चलिए आज पढ़ाई शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं और 10वीं में पढ़ेंगे हिंदी, हिंदी का व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। क्या पढ़ेंगे आज हम? निबंध लेखन का क्या तरीका है, इसका अर्थ क्या होता है और निबंध लेखन में हमको कौन-कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और निबंध के प्रकार कौन-कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि निबंध का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन-कौन से दो शब्द हैं? निर्धन बंध वर्ग का मतलब होता है निबंध। तो निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है निबंध, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। इनकी भाषा विषय के अनुकूल होती है। निबंध शब्द दो शब्दों से, निधन बंध दो शब्दों से मिलकर बना है। हमने संधि विग्रह पढ़े थे, उसमें पढ़ा था। तो यहाँ पे अपन निबंध की संधि विग्रह करेंगे तो होगा निधन बंध, और जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। इसकी भाषा विषय के अनुकूल होती है, मतलब हम जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं उसकी भाषा उसी के अनुकूल होनी चाहिए। निबंध की शक्ति अच्छी भाषा है। अच्छी भाषा को निबंध की शक्ति माना जाता है और भाषा के अच्छे प्रयोग द्वारा ही भावों और विचारों और अनुभवों को प्रभावशील ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। निबंध की परिभाषा निबंध की परिभाषा बाबू गुलाब राय जी के अनुसार है कि निबंध का आकार सीमित होता है। कैसा होता है? निबंध का आकार सीमित होता है, उसमें निजीपन होता है, स्वच्छ और सजीव होता है। और आचार्य शुक्ल जी के अनुसार यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध की परिभाषा पंडित श्याम सुंदर दास जी ने भी लिखी है कि निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्य पूर्व ढंग से विचार किया गया हो। क्या है एक निबंध? एक क्या है? वह लेख है जिसमें किसी भी विषय पर बहुत गहन और बारीकी से विस्तार पूर्वक विचार किया गया हो, निबंध कहलाता है। अब है कि एक अच्छे निबंध की परिभाषाएं कौन कौन सी होती है, क्या क्या उसमें शामिल होना चाहिए। तो देखते हैं कि इस प्रकार निबंध किसी विषय पर विचार प्रकट करने की कला है। इसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप से पिरोया जाता है और ज्ञान विचार को व्यक्तित्व का अद्भुत संगम होता है। यद्यपि निबंध लिखने का कोई निश्चित सूत्र नहीं है, फिर भी निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान देना चाहिए। अच्छे निबंध की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है कि कसावट, प्रभावशाली भाषा और विषय की अनुकूलता। एक अच्छे निबंध की विशेषता है कसावट, प्रभावशाली। उसकी भाषा प्रभावशाली होना चाहिए और विषय के अनुकूल भी होना चाहिए। फिर दूसरा कि निबंध में विचार और भाषा दोनों में कसावट का गुण होना चाहिए और उद्धरणों की भाषा ना बदली जाए, कि बार बार भाषा ना बदले। फिर है निबंध का अर्थ है भली भांति बंधा हुआ या कसा हुआ, जिसमें विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग आवश्यक है। विराम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग है, कहाँ पर हमको रुकना है, कितनी देर के लिए रुकना है, इन सब चीजों का ध्यान देना आवश्यक है। विराम
विचार बिखरे ना हो, चयनित विषय पर चिंतन मनन करें, विचारों में एक श्रृंखला हो जो क्रमबद्ध हो, विचारों में संतुलन हो अर्थात प्रमुख बातों पर अधिक महत्व एवं गौण बातों पर कम महत्व देना चाहिए, निबंध स्पष्ट होना चाहिए। फिर निबंध में बदलती हुई विषय सामग्री के अनुसार पैराग्राफ बदलने चाहिए। यह विशेषताएं एक अच्छे निबंध में होनी आवश्यक है। अब है कि निबंध के अंग, तो निबंध के चार अंग होते हैं। निबंध के चार अंग होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये चार निबंध के अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहला है शीर्षक। शीर्षक होता है कि हम किस विषय पर निबंध लिख रहे हैं, हम अनुशासन पर निबंध लिख रहे हैं या पुस्तकालय के महत्व पर, हम वृक्षारोपण, विज्ञान वरदान। ये शीर्षक होता है कि हम किस विषय पर निबंध लिख रहे हैं। तो सबसे पहला अंग है शीर्षक। शीर्षक आकर्षक होना चाहिए ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो जाए, नीरस नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा है प्रस्तावना, की निबंध की श्रेष्ठता की अन्य होती है, इसे भूमिका भी कहा जाता है। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए परंतु यह बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। भूमिका इस प्रकार की हो जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत करती हो। प्रस्तावना में हम अपने शीर्षक को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक लिखते हैं कि हम यह निबंध क्यों लिख रहे हैं और इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, कारण है, लाभ है, हानि है, क्या है, तो उसको एक संक्षिप्त रूप में उसका परिचय देते हैं। फिर है विस्तार। तीसरा, यही विचारों का विकास होता है, यह निबंध का सर्व प्रमुख अंश है, इसका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करता, इसमें हमको जो अपने विचार व्यक्त करना है हम वह सब विस्तार में क्रमबद्ध रूप में, क्रम नहीं तोड़ना चाहिए, क्रमबद्ध रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। फिर है चौथा उपसमाप। निबंध का समापन एक निश्चित क्रम में होता है, लेखक अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, उपदेश दूसरों के विचारों को उद्धृत कर या कविता की पंक्ति के माध्यम से निबंध समाप्त किया जा सकता है। उपसंहार सबसे अंतिम प्रक्रिया है जब हम निबंध को समाप्त करते हैं, यह समापन की प्रक्रिया होती है। अब हम आगे देखते हैं निबंध के प्रकार। निबंध के प्रकार होते हैं, पहला है निबंध के प्रकार में वर्णनात्मक निबंध, वर्णन जिसमें बड़े, जिसमें उसका सविस्तार वर्णन किया जाता है, उस निबंध को कहते हैं जिसमें किसी घटना, वस्तु और स्थान का वर्णन होता है। वर्णन के लिए भाषा सरल और ओजस्वी होनी चाहिए और शैली रोचक। निबंध पढ़कर उस वस्तु, घटना या स्थान का पूरा चित्र आंखों के सामने आ जाना चाहिए। किसी त्योहार जैसे होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, यात्रा, दृश्य, स्थान या घटना, गणतंत्र दिवस की परेड, ताजमहल, ओलंपिक खेल आदि पर लिखे गए निबंध प्राय वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। फिर है दूसरा विचारात्मक निबंध। विचार या चिंतन की प्रधानता होने के कारण इन्हें विचारात्मक निबंध कहते हैं। इस प्रकार की निबंध लिखना प्राय कठिन होता है। भूदान, यज्ञ, अहिंसा, परमो धर्म, विधवा विवाह जैसे सामाजिक, राष्ट्रीय एकता, विश्व बंधुता जैसे राजनीतिक तथा ईश्वर आत्मा जैसे दार्शनिक विषय आते हैं विचारात्मक निबंध के अंतर्गत। अब है भावात्मक निबंध। निबंध चार प्रकार के होते हैं। अब है भावनात्मक निबंध, तो भावना प्रधान कहलाते हैं, जैसे बसंत उत्सव, चांदनी रात, बुढ़ापा, बरसात का पहला दिन,
इसमें कल्पनात्मक निबंध भी आते हैं। और कल्पनात्मक निबंध के उदाहरण है, कल्पना मतलब हम मनन शक्ति, कल्पना शक्ति, कल्पना के आधार पर कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता, मेरी कार्य प्रणाली कैसी होती। तो निबंध के उदाहरण, यदि मैं प्रधानमंत्री होता मेरी अभिलाषा और नदी की आत्मकथा आदि। फिर है साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। तो किसी साहित्यकार की साहित्यिक विधा या साहित्यिक प्रवृत्ति पर लिखा गया निबंध साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध कहलाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास, आधुनिक हिंदी की कविता, छायावाद हिंदी, साहित्य का स्वर्णयुग आदि। इसमें ललित निबंध भी आते हैं। इनकी भाषा काव्यात्मक और रसात्मक होती है। ऐसे निबंध शोध पत्र के रूप में अधिक लिखे जाते हैं। भावनात्मक निबंध में कि हमारी भावना के अनुसार जो निबंध लिखे जाते हैं वो भावनात्मक निबंध होते हैं। और साहित्यिक या आलोचनात्मक, जिसमें साहित्यिक भाषा या साहित्यिक विधा का प्रवृत्ति पर के आधार पर जो निबंध लिखे जाते हैं वह साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। आलोचना मतलब किसी भी चीज का तुलनात्मक अध्ययन करना। जैसे मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास, आधुनिक हिंदी कविता, छायावाद, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग आदि। इसमें ललित निबंध भी आते हैं जिनकी भाषा काव्य के रूप में और रसात्मक होती है। ऐसे निबंध शोध पत्र के रूप में भी लिखे जाते हैं। तो बच्चों, ये थे निबंध लिखने का तरीका और निबंध के अंग, निबंध के प्रकार। तो जब हम कोई निबंध लिखते हैं तो सबसे पहला उसका जो होता है शुरुआत, जो हम निबंध की करते हैं सबसे पहला होता है शीर्षक। शीर्षक बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, जिससे कि शीर्षक पढ़ के हमको वह निबंध पढ़ने की इच्छा हो। उसके बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना संक्षिप्त होनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। निबंध लिखते समय हमारी भाषा विषय के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी राष्ट्रीय पर्व पर लिख रहे हों। राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, हम राष्ट्रीय पर्व के त्यौहार पर निबंध लिख रहे हैं और हम उसमें होली दिवाली का उल्लेख करें, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाता है। और फिर उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। अगर क्रमबद्धता नहीं रहेगी तो भी निबंध आकर्षक नहीं रहेगा। और इन सब चीजों का एक निबंध लेखन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो निबंध लिखते समय हमको अपनी भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए और विराम चिन्हों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आप इसको, इन सबको कॉपी में लिखेंगे और निबंध लिखते समय इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखेंगे।